हेलो एवरीबडी दिस इज जे डे के ग्रू एंड टूडी इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू इंटरप्रेट अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ अमेरिका रॉबर्ट फ्रॉस्ट इट इज अ स्मॉल एंड सिंपल पोएम बट इट बेयर्स अ डीप मीनिंग ऑफ लाइफ ये पोएम काफी सिंपल है लेकिन इसकी फिलोसफिकल मीनिंग काफी डीप है इस पोएम के थ्रू पोइट ये कहना चाहते हैं कि नेचर में कोई भी चीज वो अशुभ नहीं होता है सारी चीज ब्लेसिंग होती है नेचर में अक्सर हम लोगों की सोसाइटी में हमारी सोसाइटी में एक माइंडसेट्स बना होता है एक माइंडसेट बना होता है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो अशुभ घटना का ये संकेत है अगर क्रो को देख लिया तो ये अशुभ घटनाओं का संकेत है ठीक है लेकिन पोर्ट ने इन सारे धारणाओं को इन सारे ट्रेडिशंस को इन सारे बिलीव्स को इनकरेक्ट साबित किया है और ये दिखाने का कोशिश किया है कि नेचर में जो भी चीज़ है वो ब्लेसिंग है वो सब क्या है एक तरह से गॉड का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो ह्यूमैनिटी को दिया गया है इस पोए में क्रो को प्रेजेंट किया गया है हेमलॉक ट्री है स्नो है पार्टिकल्स ऑफ स्नो है इन सारे को प्रेजेंट किया गया है और इनका अलग ही मीनिंग है इस पोएम में जो कि हम इसके दिप्त में जाकर इसको इंटरप्रेट करेंगे ओके okay. इसमें क्रो जो है क्रो इज जनरली एसोसिएट विथ हार्स वॉयस ओके एंड बैड ओमिन्स। क्रो को अक्सर तो हाउसिएट करते हैं क्या चीज के लिए हार्स वॉयस के लिए और बैड ओमेन्स के लिए जब भी हम कॉवे में कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखते हैं कोई ब्यूटी नहीं देखते हैं कोई अट्रैक्शंस या कोई फैशनेशन नहीं देखते हैं क्रो का मतलब हम हमारे माइंड में आता है हार्श व्इ एंड बैड ओमेन्स आता है तो पोइट ने यहां पे क्रो को प्रेजेंट किया है और उसके सिग्निफिकेंस को दिखाया है दूसरा क्या है हेमलॉक ट्री हेमलॉक ट्री क्या होता है एक पॉइजनस ट्री होता है और इसके व्हाइट फ्लावर्स होते हैं ओके okay. तो ये दोनों चीज जो है ना निगेटिविटी के लिए स्टैंड किया हमारी सोसाइटी में करता है इवन जो हेमलॉक एंड क्रो है हेमलॉक ट्री एंड क्रो है प्रेजेंट सैडनेस एंड डिप्रेशन को प्रेजेंट करता है इस में। हम बताते हैं क्या होता है द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री पोएट क्या थे वो एक हेमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे खड़े थे ही इन अ एंड मूड बहुत ही उदास है बहुत ही डिप्रेस्ड है इट वॉज द टाइम ऑफ विंटर पोइट कहते हैं कि क्या, क्या समय था विंटर का समय था इट हैड बीन स्नोइंग बर्फ गिर रही थी जस्ट देन अक्रो केम एंड इट्स सुक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट तभी क्या होता है उस हेमलॉक uh, ट्री पे एक कौे क्या करते हैं कुछ हरकत करते हैं uh, जिसकी वजह से क्या होता है जिसपे वो बर्फ जमी होती है उस हेमलॉक ट्री पे से उसका डस्ट पार्टिकल जो होता है पोएट के ऊपर गिरता है ओके एज सुन एज द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट हिज सैड मूड underwent a change and he became cheerful. क्या होता है जैसे वह uh, dust particles poet के ऊपर गिरता है और ये बहुत बड़ा poet के mind में बहुत बड़ा changing लाता है और जो poet जो बहुत ही sad थे बहुत ही sad mood में थे और क्या होता है ना कि ये incident poet को बहुत ही cheerful बना देता है So this is a simple incident है और ये incident brought a great change इन द माइंड एंड द सोल ऑफ द पोइट और ये क्या है ना छोटा सा जो इंटरप्शन है इंटरवेंशन है छोटा सा नेचर का जो कि एक बहुत बड़ा चेंज ला देता है पोइट के माइंड एंड सोल में इस पोइम में पोइट ये भी बताना चाहते हैं कि चेंज चेंज इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द नेचर जो चेंजेस है जो चेंज है इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर है नथिंग इज पर्मानेंट कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इन आवर लाइफ नॉट इवन आवर इमोशंस हमारे लाइफ में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं हमारे पास जो भी सिचुएशन है हमारे पास जो भी इमोशंस है, फीलिंग्स है वो हमेशा के लिए नहीं है ये वो लास्टिंग नहीं है ये सब क्या है टेम्प्ररी है ये परमानेंट नहीं है एक समय आएगा ये भी खत्म होगा पर्सन मूड एंड स्प्रिट चेंज लाइक द चेंज ऑफ द वेदर पोइट कहते हैं कि जो एक पर्सन का मूड है, है वह किस तरह से चेंज होता है चेंज लाइक द वेदर वेदर की तरह चेंज होते हैं। इस पोएम के थ्रू पोइट क्या कहना चाहते हैं द पोइट वास्ट पीपल टू हैव फेथ एंड स्टे पॉजिटिव पोए चाहते हैं कि लोग विश्वास रखें फेथ रखें और हमेशा पॉजिटिव रहें नेचर हैज़ ऑल द आंसर्स टू ह्यूमन टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स इंसान के जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब का किसके पास आंसर है नेचर के पास आंसर है नेचर हैज़ ऑल द आंसर टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स वन जस्ट नीड्स टू सी दिम आपको सिर्फ जरूरत है कि आप नेचर में ढूंढे तो सही नेचर इज द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ ह्यूमैनिटी लेट द नेचर बी माय टीचर्स ए ग्रेट पोइट ए ग्रेट रोमांटिक पोइट विलियम वर्सवर्थ ने कहा था कि द लेट द नेचर बी माय टीचर्स नेचर से ही सीखो नेचर ही सबसे बड़े टीचर होते हैं और नेचर को मेरा टीचर रहने दो ओके तो अब चलते हैं पोइम की तरफ बहुत ही सिंपल पोएम है आप भी पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा लेकिन हमने सोचा कि ये पोएम का जो डीप मीनिंग है जो इसका डिप्थ है जो सेंट्रल आइडिया है वो मैं क्लियर कर दूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत लोग पोएम को पढ़ाते हैं बहुत सारे लोग एक्सप्लेन करते हैं तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपना बेस्ट करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ चलिए पोएम को देखते हैं द वे अक्रोस सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री कहते हैं जिस तरह से कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराया कहा से हेमलॉक ट्री के ऊपर से हैज गिव इन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड ये क्या हुआ हैज गिविन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट यह हमारे माइंड को चेंज कर देता है और जो हमारी रेस्ट ऑफ डे होता है वो बर्बाद होने से बच जाता है ऑफ़ अ डे आई हैड रूड और इसके बाद जो बहुत बड़ा बदलाव होता है हमारे माइंड में बहुत बड़ा हम इस चीज़ों को रियलाइज कर लेते हैं कि क्यों हमने अपने दिन को बर्बाद कर दिया इस प्रॉब्लम को इस तरह से डिप्रेस्ड होकर इस तरह से सैड होकर और इस तरह से निगेटिव होकर हमने जो दिन को बर्बाद किया उसके लिए पोइट के पास अफसोस होता है ठीक है और ये इंसिडेंट बहुत बड़ा पोइट के माइंड में चेंजिंग ला देता है ओके okay, सो so तो ये हमारी पोइम थी तो आइए थोड़ा सा हम राइमिंग स्कीम देखते हैं पोइम का तो राइमिंग स्कीम क्या है पहला में द वे क्रो सुक डाउन ऑन मी ओके ए बी हम कर सकते हैं ए बी फिर सेकेंड जो लाइन है द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री फिर ये क्या है ए बी तो पहला भी क्या है ए बी ए बी ओके तो दूसरा स्टेंजा क्या हैज गिवेन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड तो ये इसको हम कर सकते हैं सी डी एंड सिप्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड तो यहां पे भी क्या हो सकता है सी डी तो ए बी ए बी सी डी सी डी इसका राइमिंग स्कीम है ओके okay. तो ये हमारा पोएम था आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी अगर आपको ये वीडियो लगती है कि इन्फॉर्मेटिव है हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपना सजेशन कमेंट में ज़रूर लिखें थैंक यू फॉर वॉचिंग मी सी यू इन द नेक्स्ट